नमस्कार, बालाघाट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ यमलेश वंजारी। खबरों की शुरुआत करते हैं बालाघाट जिले के उन मजदूरों से जो लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी के बीच विभिन्न राज्यों में फंस गए हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मजदूरी करने चेन्नई गए बालाघाट जिले के 17 मजदूर लॉकडाउन के चलते वहां फंस गए हैं। इनमें बालाघाट जिले के लांजी किरनापुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मजदूर शामिल है। इन मजदूरों ने बालाघाट न्यूज से अपनी तस्वीरें और वीडियो साझा करते हुए अपनी समस्या बताई, साथ ही सरकार एवं जिला प्रशासन से घर पहुँचाने के लिए मदद भी मांगी है। सुसवा निवासी रवि पाचे ने कहा है कि हमें कोरोना बाद में मारेगा, उसके पहले भूख मार देगी। हम अपने मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें घर आने के लिए साधन मुहैया कराए, वरना उनके सामने अब भूखे पेट पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसी तरह लालवर्रा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कोपे के मजदूर भी तेलंगाना और हैदराबाद में फंसे हैं। उन्होंने भी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इन मजदूरों का कहना है कि उनके पास भोजन की कोई सामग्री नहीं है। लॉकडाउन के चलते काम धंधे पूरी तरह बंद होने के बाद जैसे तैसे उन्होंने अब तक अपने भोजन की व्यवस्था की है। अब एक वक्त का भोजन भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उन्हें मदद पहुंचाई जाए। बालाघाट जिले से 16-17 आदमी हैं करीबन, चेन्नई में फंसे हुए हैं, वेल्लूर न्यू बस स्टैंड में। गवर्नमेंट हमें खाने के लिए राशन या पैसा कुछ नहीं दे रही है। हमारे पास जो था वो खत्म हो गया है। हम अपने मध्य प्रदेश जाना चाहते हैं, कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। हम फंसे भी हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ सुविधा निकाले। लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से गुजर रहे बैहर क्षेत्र के भंडेरी निवासी 8 से 10 मजदूर 11 दिनों बाद पैदल चलते हुए बालाघाट पहुंचे। इसके पहले उन्हें कई स्थानों पर पुलिस ने रोका और स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। मजदूरों ने बताया कि हैदराबाद के प्रगति नगर में वे काम करते थे, वहां ठेकेदार द्वारा कुछ पैसे दिए गए थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उस राशि से उन्होंने जैसे तैसे अपना समय गुजारा और भोजन की व्यवस्था की। इसके बाद उनके पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए उन्हें मजबूरीवश पैदल चलकर हैदराबाद से आज बालाघाट पहुंचना पड़ा। बताया गया कि रास्ते में कुछ ट्रक चालकों की मदद से वे थोड़ा बहुत सफर पूरा कर सके, अन्यथा आज भी उनका बालाघाट पहुंचना संभव नहीं था। मजदूरों की माने तो उन्हें अभी तक सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली है और ना ही उनके खातों में 1,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। कोरोना महामारी के चलते उन्हें जो पैदल चलना पड़ा है उससे उनके पाँव में छाले पड़ गए हैं। वे अब और भी पैदल चलने की स्थिति में नहीं है, परंतु मजबूरी बस रुक रुक कर उन्हें पैदल चलना ही पड़ रहा है। हैदराबाद से डायरेक्टली पैदल तो निकले, लेकिन एक बीच में कोई भाई लोग अपने को थोड़ा लिख दे दिया, तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा करके। हैदराबाद में कौन से शहर में फंसे हुए थे आप लोग? हम लोग हैदराबाद के प्रगति नगर में। क्या करने गए थे? काम करने गए थे, मजदूरी। अच्छा, तो ये लॉकडाउन के बाद में फिर क्या स्थिति रही आप लोग पास? खाने पीने का सामान था बराबर? बाद में ऐसा था, हमारा ठेकेदार कुछ ऐसा दिया था हमको जी, यानी कि 21 तारीख जब तक के, यानी पहला लॉकडाउन खुलने का था जब तक के हमारे को हमारा ठेकेदार सामान वगैरह सब ला के दिया। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में फिर हम लोग बोलने लगे कब तक के इधर रहना, इसलिए हम लोग। अच्छा, तो वहाँ से पैदल चले, कितने तारीख को चले थे वहाँ से आप लोग? हम चले थे 18 तारीख 18 अप्रैल को, और आज 27 अप्रैल को मतलब बालाघाट में पहुँचे। कहाँ के रहने वाले आप लोग? हम लोग भंडेरी। गंडई भंडेरी 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 ये बैहर भंडेरी ना? कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग भंडेरी के 3 हैं। और लामता कितने लोग थे बालाघाट जिले से आपके साथ? बालाघाट जिले से तो अपन साथ में बोले तो हैदराबाद में 7 लोग। 7 लोग थे। अच्छा, सरकार के द्वारा जो बाहर फंसे मजदूर हैं उनको 1,000 रुपये खाते में भेजने की बात की थी, क्या मिला आप लोगों को? अभी नहीं मिला है। लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृते 26 अप्रैल से मजदूरों और गरीबों की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने लॉकडाउन के बीच मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ यह धरना शुरू किया है। उनका कहना है कि सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों और लोगों की हवाई जहाज से लेकर VIP बसों के माध्यम से घर पहुँचाने की व्यवस्था कर रही है, लेकिन गरीब मजदूरों के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि वे अपने घर लौट सके। उन्होंने कहा है कि चुनाव के पहले सरकार 15-15 लाख देने की बात करती रही है, लेकिन आज मजदूरों के पास 1 रुपया नहीं है तो सरकार को उसकी चिंता नहीं सता रही है। किशोर समृते ने सरकार की मंशा और कोरोना लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को लेकर एक शब्द भी नहीं बोलने पर भी सरकार की आलोचना की है। किसके लिए पड़ा हुआ है? अपन गरीबों को मदद क्यों नहीं कर पा रहे? जो सरकार 15-15 लाख रुपए देने की बात कर रही थी, आज 10-10 हज़ार रुपये लोगों को नहीं डाल पा रही। तो इस सरकार को जगाने के लिए हमारा धरना है, और जब तक मजदूर अपने घरों में नहीं पहुंचेंगे तब तक ये हमारा धरना जारी रहेगा।
नमस्कार।